بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. الله سبحانه وتعالى इरशाद फरमाता है, कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। अल्लाह सुबहानहु तआला इस आयत की इब्तिदा लफ्ज़ कुल से कर रहा है। कुल के माना है कह दीजिए, और इसके ज़रिए से अल्लाह सुबहानहु तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हरज को रफ़ा कर रहा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जो भी अंबियाए किराम आए, अल्लाह ने उन्हें मुकल्लफ बनाया अच्छी और मीठी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, वक़ूलू लय्यिना, बात जो करना प्यार से करना, अच्छी बात करना, मीठे अंदाज में करना, सख्ती से नहीं। अल्लाह सुबहानहु ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पर मामूर किया, इस बात का मुकल्लफ बनाया कि आप नरमी के साथ और मीठी ज़बान इस्तेमाल करें, और जब लोगों से मुखातब हों, लोगों से जब बातचीत करें तो अच्छे अंदाज में बात करें। अल्लाह ताला फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ातिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। लोगों को अपने रब की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ, नसीहत के साथ। कैसी नसीहत? अच्छी नसीहत के साथ। और जब उनसे बहसो मुबाहसा कीजिए तो अच्छे अंदाज में कीजिए, यानी हर हाल में मिठास को और नरमी को मलहूज़े खातिर रखिए, इसे मत छोड़िए। लेकिन अल्लाह सुबहानहु ताला इस आयत में जो आपको अच्छे अंदाज में मीठे अंदाज को अपनाने का मुकल्लफ बनाया, इस सूरत के अंदर उसको हटा दिया आपसे। कुल कह दीजिए, साफ साफ अल्फाज में कह दीजिए, ए काफिरो, ए या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। यहाँ पे अल्लाह सुबहानहु ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ख़िताब किया, वो ख़िताब सख्त अंदाज में किया, जिससे अल्लाह सुबहानहु ताला ने आप पर जो मुकल्लफ किया था उसको हटा दिया। और इस कलाम के ज़रिए अल्लाह सुबहानहु ताला आपको जिस बात पर मामूर किया,
जैसा कि अल्लाह सुबहानहु ताला ने इस आयत के सबब नुज़ूल में वाज़ह किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा गया, आपको लालच दिया गया कि ऐसा कीजिए कि एक साल तक आप हमारे माबूदों की पैरवी करें और एक साल तक हम आपके माबूदों की पैरवी करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुक जाइए ताकि मैं देख लूं कि इस सिलसिले में मेरा परवरदिगार मुझे क्या हुक्म देता है, ताकि जिसने मुझे भेजा है उसके ज़रिए से कोई हुज्जत कोई दलील कायम हो जाए। अल्लाह सुबहानहु ताला ने इस सूरत के ज़रिए सख्ती से के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया। और इस सूरत की खूबसूरती ये है, इसकी लताफत ये है कि हम इस किताब में यानी अल्लाह की किताब में इन जैसे मसाइल में अल्लाह सुबहानहु ताला की सख्ती को पाते हैं कि अल्लाह सुबहानहु ताला इन जैसे मसाइल में जिनका ताल्लुक एतकाद से होता है उसमें अल्लाह सख्ती बरतता है, सख्ती के अल्फाज लाता है। इसीलिए इन जैसे मसाइल में अल्लाह ने तलकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसको तिलकाई कहा जाता है। अल्लाह ने तलकीन की हुक्म दिया है, आप पढ़ जाइए कुरान की दीगर आयात में दीगर सूरतों में अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए सख्ती के साथ अल्लाह एक है। अल्लाह तुझे का फरमाता है قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم, कह दीजिए। अल्लाह दूसरी जगह फरमाते قل يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, तौहीद की दावत, कह दीजिए। अल्लाह फरमाता قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم, अल्लाह आगे फरमाए قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين, यानी अल्लाह सुबहानहु ताला ने इन जैसी आयात में जहाँ अकायद का तस्करा किया है, अकीदे को बयान किया है, वहाँ पे सख्ती के अल्फाज को इस्तेमाल किया है, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी झोल के, सराहत के साथ अल्लाह ने वाज़ह कर दिया कि नहीं, बात ऐसी ऐसी नहीं है, बात ऐसी सीधी और साफ है, इसमें कोई झोल नहीं है। अल्लाह ने अकीदे को और तौहीद को साफ साफ बयान कर दिया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, ये नहीं कहा या अय्युहल मुशरिकून, का या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, इसलिए कि काफिर में मुशरिक भी शामिल है और जिसके यहाँ अकीदे का बिगाड़ है वो भी शामिल है, चाहे उसका शिर्क या उसका कुफ्र जाहिर हो या जाहिर ना हो, सारे के सारे अफराद इसके अंदर शामिल हो गए, या वो आदमी अपने कुफ्र को और अपने शिर्क को छुपाता हो और अल्लाह सुबहानहु ताला की बड़ाई को उसकी किबरियाई को हकीर समझता हो, अपनी बड़ाई को अपनी ज़ात को अपने नफ्स को अल्लाह के सामने बड़ा तसव्वुर करता हो, इन जैसी खसूसियात के इन जैसी सिफात के हामिल अफराद, चाहे वो मुशरिक हो चाहे वो काफिर हो, सब के सब इसमें शामिल हैं। अल्लाह सुबहानहु ताला ने एक ही लफ्ज़ के ज़रिए या अय्युहल काफिरून तमाम के तमाम अफराद को इसमें शामिल कर लिया। अल्लाह फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ऐ काफिरों। अल्लाह सुबहानहु ताला ने इसमें हर काफिर से ख़िताब किया है,
हर काफिर से मुखातब हुआ है जिसके अंदर कुफ्र की सिफत मौजूद है, चाहे वो काफिर मौजूद हो या गुजर चुके हों। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो कुफार मौजूद थे वो तो मुराद ही मुराद हैं, लेकिन आपसे पहले जितने कुफार गुज़र चुके हैं और आने वाले क़यामत तक जितने कुफार आएंगे, सब के सब इस खिताब में, इस मुखातब में शामिल हैं, क़यामत तक जितने अफराद। इससे सिर्फ वो लोग मुराद नहीं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद थे या जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब किया, इनसे सिर्फ वही मुराद नहीं है, इनसे तमाम के तमाम लोग मुराद हैं। और इस सूरत में उन लोगों के दीन से बरात का इजहार नहीं है जो उस वक्त मौजूद थे, बल्कि आपसे पहले जितने दीन इस्लाम के अलावा जितने दीन मौजूद थे, जितनी मज़ाहिब मौजूद थे, सब से बरात का ऐलान है। और क़यामत तक इस्लाम के अलावा जितने दीन, जितने अदियान व मज़ाहिब पाए जाएंगे, सब से बरात का इजहार है। और शिर्क की तमाम किस्मों से बरात का इजहार है, कोई एक किस्म से नहीं, शिर्क की तमाम किस्मों से बरात का इजहार है, चाहे वो शिर्क खफी हो या जली हो, चाहे वो शिर्क छोटी हो या बड़ी हो, तमाम तरह के शिर्क से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस सूरत के ज़रिए से अपनी बरात का, अपनी नाराज़गी का बरमला ऐलान किया और फरमाया ला अबुदु मा ताबुदून, जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम लोग इबादत नहीं करते। ये जुमला फ़ैलिया है, और जुमला फ़ैलिया किसी चीज़ के होने पर और जो चीज़ हो रही हो उसके नएपन होने पर दलालत करता है। जुमला फ़ैलिया कोई चीज़ वजूद में आए, कोई चीज़ अमल में आए और वो अमल नया हो, इसके होने पर दलालत करता है। जैसे आबुदु फ़ैल है और मुजारे है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आम है मौजूदा वक्त में और मुस्तकबिल आने वाले वक्त में, यानी आज मैं जिसकी इबादत कर रहा हूँ या आने वाले वक्तों में मेरे मुत्तबईन जिनकी इबादत करेंगे उनको न तुम आज इबादत करोगे न आने वाले वक्त में उसकी इबादत करोगे। यानी मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत को इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अंजाम देता। मैं भी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरे उम्मती सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और तुम न मेरी मौजूदगी में और न मेरे जाने के बाद उस अल्लाह की इबादत नहीं करोगे। मुजारे का मतलब ये है कि मौजूदा वक्त में, हाल में जो वक्त चल रहा है और मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले से, ला अबुदु से तमाम तरह की इबादत को अल्लाह के लिए ख़ास कर दिया और उस इबादत को मुसलमानों का शान और तुर्रा बता दिया और कुफार का, मुशरिकों का उस जैसी खसलत से इनकार कर दिया कि तुम्हारी खसलत कभी नहीं होगी।
इसलिए इसमें उन काफिरों से बरात का ऐलान है जिनको अल्लाह सुबहानहु ताला जानता था कि लोग मुसलमान नहीं होंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे। ये उनके ताल्लुक से है या इस सूरत के बाद जो मुसलमान हो गए, हल्के बगोश हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, उनसे ये मुराद नहीं है। इनसे मुराद वो कुफार हैं जिनके बारे में अल्लाह जानता है कि ये कुफ्र की हालत में रहेंगे, मुसलमान नहीं होंगे। इनसे मुराद वही कुफार, वही मुशरिक हैं। इनसे मुराद वो कुफार नहीं जो उस वक्त तो काफिर थे लेकिन कुछ दिनों के बाद मुसलमान हो गए और अपने आप को मुसलमानों के ज़ुमरों में शामिल कर लिया। अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमाया वलम यकुल मा तअबुदून, तुम लोग जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ नहीं कर सकते। इसका माना यह है, ये दलालत करता है कि इम्मा लिमा ला यालम औ सिफात मा यालम, यानी कि जिनकी तुम इबादत कर रहे हो या तो तुम उनके बारे में जानते ही नहीं हो या उनकी सिफात क्या है उसको भी नहीं जानते हो। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है वमा खलक अज़्ज़कर वल उन्था, अल्लाह सुबहान तआला ने मुज़क्कर और मुअन्नस को पैदा किया, यानी खालिक भी वही है व खालिक अज़्ज़कर वल उन्था। मुज़क्कर और मुअन्नस का पैदा करने खालिक वही है, ये सिफात है, ये अल्लाह की सिफत है खालिक। तो मुशरिकों जिनकी तुम इबादत कर रहे हो उनकी सिफात के बारे में तुम्हें इल्म नहीं है, उनकी सिफत क्या है, उनकी अलामत क्या है, उनकी पहुंच क्या है, तुम नहीं जानते इस बात को। अल्लाह सुबहानहु ताला इन दोनों आयात में अपनी इबादत को, अपनी वहदानियत को, अपनी रुबूबियत को साबित किया है और गैरुल्लाह के नाम पर की जाने वाली इबादत का रद्द किया है और उससे अपनी बराअत का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाह अगले दर्स में। अल्लाह सुबहानहु ताला से दुआ है कि मौला हम तमाम मुसलमानों को कुरान पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन कुरान के मानी और मफाहीम पर गौर फिक्र की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन कुरान में मौजूद अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।